देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय रेलवे ने भी 18 से 23 जुलाई तक चलने वाले आइकॉनिक सप्ताह कार्यक्रम का आरंभ किया है, जिसके तहत असम में तिनसुकिया रेलवे डिवीजन के शिवसागर रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवसागर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शिवसागर के 24 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को रेलवे की तरफ से असमिया परंपरानुसार गुलाम गमछा और झांपी प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर तिनसुकिया रेलवे डिवीजन के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका और बलिदान का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आंदोलन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस आयोजन के तहत स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े पूर्वोत्तर सीमा रेल के अधीन 9 स्टेशनों को अलंकृत किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के 9 स्टेशनों में असम का गहपुर, रोहा और शिवसागर टाउन, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर का जिरिबाम, नागालैंड का दीमापुर, मिजोरम का भैरवी, अरुणाचल प्रदेश का नाहरलगुन, मेघालय का मैंथी पठार शामिल हैं। शिवसागर रेलवे स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों ने सक्रिय रूप से भाग लेकर इस प्रतिष्ठित सप्ताह के उत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस भव्य उत्सव को ऐतिहासिक महत्व रखने वाले रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों दोनों पर केंद्रित किया गया है। इसके लिए 75 रेलवे स्टेशनों की स्वतंत्रता स्टेशनों के रूप में और 27 रेलगाड़ियों की स्पॉटलाइट ट्रेनों के रूप में पहचान की गई है। इन स्टेशन और रेलगाड़ियों का चयन स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कुर्बानी और त्याग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 24 राज्यों में इन 75 स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था और सजावट के अलावा स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक, लाइट एंड साउंड शो, वीडियो फिल्मों के द्वारा देशभक्ति के गीतों के प्रदर्शन आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आजादी की रेलगाड़ी के बैकड्रॉप में इन स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिनसे देश के युवा इनके प्रति आकर्षित होंगे। 23 जुलाई को समापन कार्यक्रम के दिन अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ स्थानीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को अपने अनुभव सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।